लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, क्राइम, खेल और आम लोगों से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ, मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने ईद उल अजहा बकरीद के त्योहार में कुर्बानी को लेकर जनता से की अपील। ईद की तरह ईद उल अजहा की नमाज भी घर पर ही पढ़ी जा सकती है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन व डॉक्टरों की सलाह के साथ मनाएं ईद उल अजहा का त्योहार। ईद उल अजहा बकरीद में कुर्बानी को लेकर मौलाना सैफ अब्बास ने की आवाम से अपील। जिन लोगों के घर में जानवर है वह कुर्बानी कराएं। हज करने पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वालों पर कुर्बानी के लिए ताकीद किया गया है। कुर्बानी सुन्नत मौकीदा है, अगर आसानी से जानवर मिल जाए तो आप लोग कुर्बानी कराएं। कुर्बानी जिस जानवर पर है उसी पर कराएं, लेकिन जिस जानवर पर प्रतिबंध हो उस पर ना कराएं। गली और सड़क पर कुर्बानी ना करें। मौलाना ने आवाम से अपील की। परवरदिगार ने जब सफर में सेहत को लेकर रोजा रखने को मना कर दिया तो कुर्बानी तो सुन्नत मौकीदा है। अगर आपकी नियत साफ है परवरदिगार आपको उसका असर देगा। कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी का वीडियो सोशल साइट्स पर ना लगाने की आवाम से अपील की। लखनऊ से ब्यूरो सत्तार खान की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर अहम खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।